सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। आज की वीडियो हमारी कार की मॉडिफिकेशन के ऊपर रहने वाली है, जिसमें हम अपनी कार में इंटीरियर लाइट लगाने वाले हैं, जो कि एक नियॉन लाइट रहेगी। जैसे कि आपने ज़्यादा महंगी लग्जरी कार में देखा होगा, डैशबोर्ड में एक लाइन पट्टी टाइप की स्ट्रिप टाइप की रहती है, जो परमानेंट जलती रहती, छोटी हल्के एकदम कलर में जलती रहती है, और रात के समय में आपको एकदम बहुत ही अच्छा खासा इंटीरियर का लुक देता है, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई हुई है ऑनलाइन। आप ये देख सकते हैं, ये वो लाइट है। तो हम इसी को अनबॉक्सिंग करेंगे, इसको दिखाएंगे कैसी लाइट है, इसके साथ क्या क्या मिलता है, इसको वायरिंग कैसे करनी है, और अपनी कार में भी पूरा इंस्टॉल करके आज की इस वीडियो हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक और हम इसको इंस्टॉल करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए। सो गाइस, ये वो लाइट है जो हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी। आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का ये बॉक्स है, तो इसके अंदर वो लाइट है। तो इसको फटाफट से हम खोल लेते हैं। मैंने वैसे इसको खोल देख चुके हैं इसके अंदर कैसा है, क्या आया है। अब हम इसको निकालते हैं, इस तरह की पैकिंग में आता है। बाकी एक ये फ्लिपकार्ट का बॉक्स है और ये पैकिंग हमारी, ये मेन हमारी लाइट है। ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे मेंशंस हैं, इसमें किस किस कलर के ये आते हैं लाइट। आप देख सकते हैं, मैंने इसको आइस ब्लू कलर का मंगाया, ये ज़्यादा अच्छा लगता है हमें रात के समय में। और ये इसका कुछ मॉडल नंबर है, ये दुनियादारी इसमें सब लिखी हुई है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और मेन हमें मतलब है इसकी लाइट से, ठीक है। तो इसको हम लाइट निकाल लेते हैं। ये हमारी मेन लाइट हो गई इस तरह, आप देख सकते हैं कैसी है। और इसको अभी हम खोल लेते हैं पैकिंग के अंदर से, फिर हम उसमें दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसको यहाँ से, इसमें लहसुन गोंद टाइप का लगा हुआ है, इसको निकाल लेते हैं, करने का कोई काम नहीं। ये गाइस देख सकते हैं, ये सिगरेट लाइटर वाला जो आपके कार में लगा होता है, अब इसमें देखिएगा, इसमें भी आप अटैच करके इस लाइट को ग्लो कर सकते हैं, डैशबोर्ड में लगा सकते हैं। मगर हम इससे कनेक्शन नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे अपने जो पार्किंग लाइट होती है, जो हम एक पॉइंट जलाते हैं पार्किंग लाइट, इससे हम कनेक्शन करेंगे। क्योंकि अगर इससे कनेक्शन हमें सही लगेगा नहीं, क्योंकि दिन में भी जलाएंगे तो भी अच्छा नहीं रहेगा, इसमें कभी चार्जर लगाना होता है, मगर ये चीज़ अच्छी नहीं रहेगी, यहाँ तार बाहर दिखेंगे। तो उससे हम क्या करने वाले, इसमें पार्किंग से अटैच करने वाले, जब हम रात के समय पार्किंग जलाएंगे तब हमारी पूरी लाइट चालू हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप डोर स्विच से भी कर सकते हैं, मगर मैं इसमें पार्किंग से कनेक्शन करूँगा, उसके भी डिटेल में मैं आपको दिखाऊँगा वायरिंग में कैसे करता हूँ, ठीक है। ये लाइट है, ये इसका 12 वोल्ट पावर सप्लाई हो जाएगी, और ये इसका ब्लास्टर है। अब देखिएगा, ये डीसी से एसी करंट करता है। जी हाँ दोस्तों, ये एसी करंट पे चलता है, अल्टरनेट करंट पे चलता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ये ब्लास्टर टाइप का है एक, जो 12 वोल्ट से अल्टरनेट करंट को बनाता है, ठीक है। और ये मेन हमारी पूरी लाइट हो गई। ये आप 5 मीटर तक इसमें रेंज है, 5 मीटर से भी आप जितनी चाहें उतनी मंगा सकते हैं। तो मैंने 5 मीटर की मंगाई है। तो इसको हम खोल लेते हैं और फिर इसमें हम देखते हैं इसमें कैसे इसमें लगाया जा सकता है, ठीक है। सो गाइस, इस तरह की लाइट है, आप ये देखिए, ट्रांसपेरेंट इस तरह का है, और इसमें जरा सी लाइन आप देख सकते हैं, ये यही ग्लो करती है, केवल ये लाइन आप इसमें अंदर देख रहे हैं, यही ग्लो करती है रात के समय, बहुत ही अच्छा ये लाइट देती है। तो ऐसे ही लाइट है। और ये जो पीछे का हिस्सा देख रहे हैं आप, इसको कैसे इसमें लगाना है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर गैप बना हुआ है, इसमें भी आप लगा सकते हैं। तो ये जो इसका ये आगे, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पीस दिया गया है, तो इसको यूँ ऐसे करके बैठालना है पूरा। आप देखिए, ये पूरा बैठता चला जा रहा है, जहाँ तक कि आप बैठा लिएगा वहाँ तक ये बैठता चला जाएगा, ठीक है। इसको उसी में हम पूरा फिक्स कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम लाइट पूरे में लगा लेते हैं कंप्लीट, फिर मैं आपको इस वीडियो में वायरिंग के कनेक्शन दिखाता हूँ। सो गाइस, फाइनली लाइट को हमने प्रॉपर कर लिया है। आप ये इसमें देखिएगा, ये इस तरह से हमने इसको चिपका दिया है फेविक्विक की मदद से, ये यहाँ से लेकर के ये इससे ग्लव बॉक्स भी हमारा बंद हो जाता है, इसी में ही इसमें अटैच कर दिया। यहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी, यहाँ से ले जा करके हमने इधर इसमें इधर लाया हूँ, और ये स्टीरियो वाले इधर हो करके ये एसी वाला कंट्रोल से इधर से ले जा करके पूरा यहाँ से लाएं, ताकि ये पूरा फ्रेम हमारा कवर हो जाए इसका। तो ये इसमें आया, यहाँ से ले जा करके इसके अंदर से ले गए, ताकि बाहर से हमें दिखे ना खराब लगेगा, इस वजह से हम इसमें अंदर से लेके इधर से लाए हैं, और यहाँ से लेके इसका मीटर वाला जो हमारा पूरा कवर है, ये मीटर वाला पूरे कवर में हमने यहाँ कवर कर दिया, और यहाँ से ये इसकी वायरिंग ख़त्म हुई। मतलब इसमें पूरा परफेक्ट फिट आ गया, 5 मीटर का जो हमने इसमें मंगाया हुआ था, ये 5 मीटर पूरा हमारे डैशबोर्ड इंटीरियर में आ गया है, ना हमें छोटा पड़ा ना ही बड़ा पड़ा, ये चीज़ सबसे अच्छी रही हमें। ये इसकी वायरिंग हमने लगाई है, ये इसका ब्लास्टर हो गया, आप देखिए
इसको अभी हम अंदर कर देंगे, इसकी वायरिंग भी दिखाएंगे हम इसकी पार्किंग लाइट से कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसमें कनेक्टर इसमें लगाया हुआ है सिगरेट लाइटर में, तो इसको हम इग्निशन ऑन करते फिर आप देखिए कैसी ये लाइट जल रही है। तो शायद आपको एकदम नॉर्मल हल्की सी दिख रही होगी, ये भी ये पूरी लाइट एक जैसे ही कलर पे जल रही है, मगर दिन का टाइम है इस वजह से ये आपको लाइट दिख नहीं रही है, और जैसे ही रात होती फिर मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि कैसी ये लाइट दिख रही है। तो गाइस इसको हमें पार्किंग लाइट से भी कनेक्शन करना है, तो ये जो हमारा कनेक्टर है इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, केवल हम यहाँ से कट करेंगे, बाकी ये ब्लास्टर लगा रहेगा इसके बिना ये चलेगा ही नहीं। इसको हम डायरेक्टली कट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसको हम पार्किंग लाइट में, इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इन दोनों को कहाँ पर लगाते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखा रहा हूँ। इसकी वायरिंग चेक करने के लिए कि किसमें हमें लगाना है, एक हमें ग्राउंड पे इस पर लगा देना है बॉडी पे, और इसको मल्टीमीटर को 20 पे चेक कर लेना, या फिर आप इसके ना लगा करके एक बल्ब भी ले सकते हैं उससे भी आप टेस्ट कर सकते हैं, मगर मैं मल्टीमीटर लगाता हूँ इस पर। और एक जो इसका डिपर असेंबली जो पूरे कॉम्बिनेशन सूच ये जो लगा होता है, इसका जो वायर आते हैं मेन मोटा वायर जो होता है कपलर होता है उसमें आप देखिए एक हर सिरों में लगा करके आप चेक करिए। मैंने इस पे लगाया हुआ है, ये रेड और येलो कलर का वायर आप देख सकते हैं लाइन है उसमें, और जैसे हम इसको हम ऑन करते हैं एक लाइट को अपनी एक पॉइंट पे पार्किंग लाइट, तो आप ये देखिए इसमें वैल्यू दिखाने लगता है, ये मतलब कि अब हम इसको हम बंद करते हैं तो देखिए वैल्यू चली गई, तो मतलब ये एकदम परफेक्ट हमें वायर मिला है पार्किंग लाइट का, यही वायर है। तो हमें क्या करना है, सेम इसी को पॉजिटिव वाला सप्लाई ले लेना है, इसकी पॉजिटिव वाले को इसके पॉजिटिव लगा देना है, बाकी एक वायर को हमें ग्राउंड पे लगा देना। ग्राउंड किस पे लगा देना है, हमें ग्राउंड वाले को इस पे लगाएंगे हम, इसका जो ग्राउंड बाहर का हिस्सा वो पीछे वायर आया है इसके हमें इस पे हम कनेक्शन कर देते हैं। एक ग्राउंड हो गया ये और एक पॉजिटिव हमारा ये हो गया, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अपने कनेक्शन कर लेते हैं। गाइस एक वायर हमने इसके इसमें दे दिया, ये पॉजिटिव सप्लाई इससे मिलती रहेगी, और दूसरा वाला वायर हमने सिगार लाइटर वाले पे इस पे कनेक्शन दे दिया, ये आप देख सकते हैं, और इसका हमें इसमें कपलर इसका क्लिप लगा देते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इससे नेगेटिव मिल गया और जो हमारा ये है इससे पॉजिटिव, पॉजिटिव इसको तब मिलेगा जब हम अपनी लाइट को ऑन करेंगे, ठीक है। लाइट ऑन करते हैं फिर आप देखिएगा। तो गाइज़ ये लाइट हमारी पूरी ग्लो होने लगी, ठीक है। तो इसकी वायरिंग एकदम सिंपल है, वायरिंग हमारी पूरी हो गई, इसको हम अंदर सेट कर देते हैं ताकि ये बाहर लटके ना वगैरह वगैरह, पूरी लाइट चालू हो गई। अब हम इसका रात का इंतजार करते हैं, जैसे ही रात होती तुरंत हम आपको इसमें दिखाते हैं। तो गाइज़ टाइम इस समय आप देख सकते हैं शाम के 7 बजने को आ रहे हैं, तो अब काफ़ी अंधेरा हो चुका है। अब हम अपनी लाइट को चेक करते हैं, एक बार ये देख लीजिए इस तरह की इसमें लाइट है, क्योंकि हमने इसको पार्किंग से कनेक्शन दिया है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको चालू कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा इसका लुक आ रहा है, ठीक है। तो हम अपनी इसको बंद कर लेते हैं फ्लैश को अपने, ठीक है, फ्लैश बंद हो चुका है। अब देखिएगा मैं इसको चालू करता हूँ, 1 2 3। ओ भाई आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है इंटीरियर का। पहले एकदम क्या था, सादा सादा इंटीरियर लगता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मगर अब आप देखिए ये लाइट की वजह से कितना अच्छा इसका लुक निकल के आ रहा है। इससे डैशबोर्ड भी अपना खुल बंद हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी सब इंटीरियर आप देख सकते हैं यहाँ से पूरी लाइट ग्लो कर रही है एकदम सेम कलर में, ठीक है। बहुत ही अच्छा इसका लुक देखने में आ रहा है, आप इसका पूरा एक लुक देख लीजिए।